चौराहे पर हुआ प्यार, ऑटो में इजहार। 7 महीने रहे साथ, फिर दोनों ने मंदिर में रचाई शादी। चुटकी भर सिंदूर से बदली जिंदगी। किन्नर छोटी सिंह ने कर ली है भविष्य की प्लानिंग। किसी महानुभाव ने सही कहा है कि प्यार अंधा होता है, ना कुछ देखता है ना कुछ सुनता है, बस अपनी ही जिद पर डटा रहता है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी की दास्तां बताएंगे जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे मोहब्बत हो तो ऐसी। दरअसल यूपी के जनपद चंदौली में सामाजिक परंपराओं और बंधनों को दरकिनार कर एक ऑटो ड्राइवर ने एक किन्नर की मांग में सिंदूर भर समाज को शीशा दिखाने का काम किया है। बकायदा हिंदू रीति रिवाज से ऑटो चालक ने एक मंदिर में किन्नर के साथ 7 फेरे लिए, जो कि अब जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज है, किन्नर और युवक की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। चौराहे पर प्यार हुआ, ऑटो में इजहार और फिर लंबे समय तक लिविंग में रहने के बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। यही नहीं, किन्नर छोटी सिंह ने भविष्य की प्लानिंग भी कर ली है। लेकिन बड़ा सवाल जो मुंह भाए खड़ा है कि क्या परिवार और समाज इस शादी को स्वीकार करेगा। बताया जा रहा है कि पड़ाव की रहने वाली छोटी सिंह किन्नर की मुलाकात एक दिन पड़ाव के ही रहने वाले ऑटो चालक अभिषेक कुमार से करीब 8 महीने पहले हुई थी। पहली मुलाकात में ही अभिषेक और छोटी एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ अभिषेक प्रतिदिन सुबह अपना ऑटो लेकर पड़ाव चौराहे पर छोटी सिंह किन्नर की एक झलक पाने की चाह में पहुंच जाता था, वहीं दूसरी तरफ छोटी सिंह किन्नर भी अभिषेक की एक नज़र देखने की चाह में प्रतिदिन सुबह पड़ाव चौराहे पर पहुंच जाया करती थी। इन दोनों के प्यार का सिलसिला करीब 1 महीने तक चला, इसी तरह चला। इसी बीच एक दिन छोटी सिंह किन्नर अभिषेक के ऑटो में सवार होकर मुगलसराय जा रही थी। इसी दौरान दोनों के दिल में अपने प्यार का इजहार करने की चाह जागी और बातों बातों में ही दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया, जिसके बाद जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा तो दोनों लिविंग में रहने लगे। करीब 7 महीने से लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों मंदिर में जाकर शादी कर ली और जीवन भर के लिए एक दूसरे के हमसफर बन गए। ऑटो चालक अभिषेक कुमार का कहना है कि वो किन्नर है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी करके वे सामाजिक रूप से एक दूसरे के हो गए हैं। वहीं अभिषेक का कहना है कि हमें भरोसा है कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। भविष्य में किसी बेसहारा बच्चे को गोद लेकर वे अपने परिवार को बढ़ा लेंगे। जी हाँ, जब बात प्यार की होती है तो प्रेमी प्रेमिका कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है प्यार अंधा और समाज की परवाह से बेफिक्र होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।